नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जिस कोटा के छात्रों को लेकर बिहार की सियासत लगातार गरमाती रही है, वे छात्र जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और लॉकडाउन में कोटा में फंसे हुए थे, उनको लेकर बिहार की राजनीति में बवाल रहा है और अब उनके घर आने का रास्ता साफ हो गया है, वे अपने घर लौट पाएंगे। और ये खबर हम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे हैं और ये बात हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई ट्रेन जयपुर से खुली है और आज दानापुर कुछ ही मिनटों बाद, जब हम ये खबर दिखा रहे हैं तो कुछ ही मिनटों बाद वो पहुंच जाएगी दानापुर स्टेशन पर, और उसमें कोटा के मजदूर भी हो सकते हैं, राजस्थान के मजदूर भी हो सकते हैं, राजस्थान में जो बिहारी मजदूर फंसे हैं वह भी हो सकते हैं, कोटा के छात्र भी हो सकते हैं। लेकिन स्पेशल कोटा के छात्रों के लिए भी कोटा प्रशासन ने पहल की है, इसलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि कोटा में जो बिहारी छात्र फंसे हुए हैं वो हर छात्र अब अपने राज्य को वापस लौट जाएगा, उनके घर आने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कोटा प्रशासन की ओर से, कोटा के डीएम की ओर से छात्रों को एक मैसेज भेजा गया है और इस मैसेज में ये जानकारी दी गई है कि 3 से 6 मई के बीच में कोटा में जितने भी बिहारी छात्र फंसे हुए हैं या तमाम दूसरे राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं, उनको उनके राज्य वापसी सुनिश्चित कर दी जाएगी, उनको उनके राज्य में वापस भेज दिया जाएगा। डीएम की ओर से छात्रों को जो मैसेज भेजा गया है वो हम आपको बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार, शेयरिंग गुड न्यूज विथ यू, स्टार्ट पैकेजिंग योर बैग्स। डीएम की ओर से ये कहा गया है कि एक अच्छी खबर आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप अपने पैकेज, पैक और बैग तैयार रखें, अपना सब कुछ तैयार रखें, तैयारी कर लें, अब आपको अपने राज्य वापस जाना है। आगे लिखा गया है, यू विल बी गोइंग बैक वाया ट्रेन्स बिटवीन May 3 to 6। एग्जैक्ट शेड्यूलिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड, वी विल बी शेयरिंग द डिटेल्स वाया SMS। हैव पेशेंस, रिक्वेस्ट यू नॉट कॉल फॉर द सेम रिगार्ड कोटा एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इस मैसेज के जरिए एक गुड न्यूज दी गई है, छात्रों को एक अच्छी खबर दी गई है और ये कहा गया है कि आप अपना बैग तैयार रखें और यू विल गोइंग बैक वाया ट्रेन्स बिटवीन May 3 to 6, यानी 3 से 6 मई के बीच में आप अपने राज्यों में वापस लौट जाएंगे ट्रेन के द्वारा। और एग्जैक्ट शेड्यूलिंग बीइंग प्रिपेयर, वी विल द शेयरिंग द डिटेल्स वाया SMS। यानी कि आपको जब आपकी जब बिहार वापसी होगी या आपकी जब अपने राज्य में वापसी होगी, इसकी जानकारी आपको SMS के द्वारा दे दी जाएगी, कब ट्रेन में सवार होना है, कब ट्रेनों का इंतजाम आपके लिए हो गया है। तो कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। लॉकडाउन में बिहार के छात्रों और मजदूरों के लिए पहली ट्रेन कुछ देर में दानापुर पहुंचने वाली है और 2 ट्रेनों की खबर हमने और आपको और दिखाई, एर्नाकुलम और तिरूर से 2 ट्रेनें खुलने वाली हैं मजदूरों और छात्रों के लिए, जो कल दानापुर पहुंचेगी। और एक और खबर हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि कोटा एडमिनिस्ट्रेशन ने अब SMS किया है बिहारी छात्रों को या दूसरे राज्यों के छात्रों को जो फंसे हुए हैं कि आप अपना बैग तैयार रखें, आपके राज्य वापसी की तैयारी शुरू हो गई है, आपकी राज्य वापसी सुनिश्चित कर दी गई है और आपको SMS के जरिए जानकारी दे दी जाएगी कब जाना है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।